हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग समरी देखेंगे अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस की फेमस नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो ये एक बिल्डिंग्स रोमन है, यानी कि यहाँ पर हम एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखेंगे बचपन से बड़े होने तक। यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कैरेक्टर है स्टीफन डिडालिस का, जो कि मेन कैरेक्टर है, और ऐसा कह सकते हैं कि ये जॉयस का ऑल्टर ईगो भी है। यानी जेम्स जॉयस ने अपनी ही कैरेक्टर को स्टीफन डेडालिस के कैरेक्टर में ढाल दिया है, ऐसा कह सकते हैं। ही गोज थ्रू लॉन्ग फेजेस ऑफ हेडोनिज्म एंड रिलीजियोसिटी, फाइनली अडॉप्टिंग एस्थेटिसिज्म, वैल्यूइंग ब्यूटी एंड आर्ट। तो स्टीफन डेडालिस एक तरफ तो काफ़ी टाइम तक हेडोनिज्म में, हेडोनिज्म का मतलब होता है बैड हैबिट्स में एंगेज करना, जैसे ओवरली सेक्सुअल होना और बुरी हैबिट्स, शराब पीना, इस तरह के हैबिट्स को हेडोनिज्म कहते हैं। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस भी हो जाता है, लेकिन फाइनली उसके समझ में आता है कि ज़िंदगी को जीने का सही अप्रोच होता है एस्थेटिज्म को अपनाना, यानी कि आर्ट, ब्यूटी, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना, यानी कि एक मिडिल वे अपनाना, ना ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाना और ना ही हेडोनिज्म को अपनाना, उसे कहते हैं एस्थेटिक होना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है साइमन और मैरी डिडालिस, जो कि स्टीफन के पेरेंट्स हैं। एमा क्लेरी स्टीफन की बिलव्ड होती है, जिससे स्टीफन प्यार करता है। और फोर्थ चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल, जो कि एक्चुअली कैरेक्टर नहीं है नॉवल में, बट वो एक आयरिश पॉलिटिकल लीडर थे जिनका जिक्र हुआ है नॉवल में, इसलिए यहाँ पर मैंने चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल का भी नाम लिखा है। तो चलिए अभी हम नॉवल की समरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ स्टीफन डेडालिस, अ बॉय ग्रोइंग अप इन आयरलैंड एट द एंड ऑफ द 19th century। तो ये जो पूरी नॉवल है वो स्टीफन डेडालिस की स्टोरी है, एक ऐसा लड़का जो आयरलैंड में बड़ा हो रहा था 19th century के अंत में। As he gradually decides to cast off all his social, familial and religious constraints to live a life devoted to the art of writing. और finally किस तरीके से वो अपने जो भी जकड़ होती हैं, फिर चाहे वो social, सामाजिक जकड़न हो या religious, बहुत ज़्यादा religious होना हो, इन सारी चीज़ों को छोड़कर किस तरीके से वो एक writing के पेशे को अपनाता है, इस चीज़ को novel में बताया गया है। एज अ यंग बॉय स्टीफन कैथलिक फेथ एंड आयरिश नेशनैलिटी हैविली इन्फ्लुएंस हिम। तो जब स्टीफन बस एक यंग लड़का है, छोटा लड़का है, तो वो एक तो कैथलिक है, क्रिश्चियन है और आयरिश है, यानी आयरलैंड का है, ये दोनों चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ही अटेंड्स अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड क्लॉन्गोवेस वुड कॉलेज। तो वो एक बोर्डिंग स्कूल में जाता है स्टीफन डेडालिस, जिसका नाम होता है क्लॉन्गोवेस वुड कॉलेज। एट फर्स्ट स्टीफन इज लोनली एंड होमसिक एट द स्कूल। तो पहले तो स्टीफन स्कूल में बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसे घर की याद आती है, बट एज टाइम पासेस ही फाइंड्स हिज प्लेस अमंग द अदर बॉयज़। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है वो बाकी लड़कों में अपनी पोजिशन बनाने में कामयाब होता है। ही एन्जॉयज हिज होम विजिट्स, घर आने में उसे बड़ा मज़ा आता है। इवन दो फैमिली टेंशंस रन हाई आफ्टर द डेथ ऑफ द आयरिश पॉलिटिकल लीडर चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल। लेकिन जब आयरिश लीडर चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल की मौत होती है तो घर में बहुत टेंशन हो जाता है, स्पेशली जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं क्रिसमस पे तब। लेकिन फिर भी उसे घर आना पसंद होता है। सो ये जो सब्जेक्ट है चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल का, ये टॉपिक बन जाता है ऑफ अ फ्यूरियस पॉलिटिकली चार्ज आर्ग्यूमेंट ओवर द फैमिलीज क्रिसमस डिनर। जब वो फैमिली क्रिसमस पे डिनर कर रही होती है तब चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल की मौत, ये जो टॉपिक है वो उन सभी लोगों में आर्ग्यूमेंट का कारण भी बनता है। लेकिन ये सब रीजंस के बावजूद स्टीफन को घर आना बहुत पसंद था स्कूल से। स्टीफन्स फादर साइमन इज इनेप्ट विद मनी एंड द फैमिली सिंक्स डीपर एंड डीपर इनटू डेट। स्टीफन के फादर जो साइमन होते हैं वो उनके जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं और उस पूरे परिवार पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। आफ्टर अ समर स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हिज अंकल चार्ल्स, स्टीफन लर्न्स दैट द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम बैक टू क्लॉन्गोवेस। तो जब स्टीफन एक बार अपने अंकल चार्ल्स के साथ रह रहा होता है तब स्टीफन को पता चलता है कि उसका परिवार अब उसे फिर से क्लॉन्गोवेस कॉलेज नहीं भेज सकता, स्कूल जो उसका होता है उसमें नहीं भेज सकता, एंड दे विल इंस्टेड मूव टू डबलिन, और उन्हें डबलिन जाकर अब रहना होगा क्योंकि अब उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। स्टीफन स्टार्ट्स अटेंडिंग अ प्रेस्टिजियस डे स्कूल कॉल्ड बेलवेडेर।
और स्टीफन एक दूसरे स्कूल को ज्वाइन कर लेता है जो कि बोर्डिंग नहीं होता, डे स्कूल होता है, जिसका नाम बेलवेडर होता है, वेर ही ग्रोज टू एक्सेल एज अ राइटर एंड एज एन एक्टर इन द स्टूडेंट थिएटर। वहाँ पर वो एक अच्छा राइटर बन जाता है और एक्टर भी बनता है, ये सारी चीज़ें वो स्कूल में सीख रहा होता है। हिज फर्स्ट सेक्शुअल एक्सपीरियंस विद अ यंग डबलिन प्रोस्टिट्यूट अनलीशेज अ स्टॉर्म ऑफ गिल्ट एंड शेम इन स्टीफन एज ही ट्राइज टू रिकनसाइल हिज फिजिकल डिजायर्स विद द स्टर्न कैथलिक मोरालिटी ऑफ हिज सराउंडिंग्स। तो सबसे पहली बार उसे सेक्शुअल एक्सपीरियंस होता है एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जो कि डबलिन की होती है, लेकिन ये सब करने के बाद स्टीफन को बहुत बुरा लगता है, गिल्टी महसूस होता है उसे, और इसलिए क्योंकि वो एक कैथलिक बच्चा था और इस तरह की सीख उसे नहीं दी गई थी कभी, फिर भी उसने ये सब किया, ये सब सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होती है। फॉर अ वाइल ही इग्नोर्स हिज रिलीजियस अपब्रिंगिंग। तो पहले तो वो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करता है जो उसके दिमाग में आती है, रिलीजियस बातें, थ्रोइंग हिमसेल्फ विद डिबॉश्ड अबैंडन इनटू अ वैरायटी ऑफ सिंस, और वो बहुत सारे तरह के पापों में एंगेज होता हो जाता है, बहुत सारे पाप करने लगता है जैसे मैस्टर्बेशन, ग्लटनी यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, एंड मोर विजिट्स टू प्रोस्टिट्यूट्स, और ज़्यादा वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगता है अमोंग अदर्स, इस तरह की सारी चीज़ें वो करने लगता है। देन ऑन अ 3 डे रिलीजियस रिट्रीट स्टीफन हियर्स अ ट्रायो ऑफ फ्यूरी सर्मन्स अबाउट सिन, जजमेंट एंड हेल। लेकिन उसके बाद जब 3 दिन के लिए वो अपने चर्च में कुछ सीखने के लिए जाता है, तब उसे कुछ सर्मन्स, कुछ सीख दी जाती हैं जिनमें उसे बताया जाता है सिन के बारे में कि पाप क्या होता है और कैसे आदमी को पाप करने से बचना चाहिए, और जजमेंट, एक दिन जजमेंट होगा, हिसाब किताब होगा, और तब आदमी को हिसाब देना होता है अपने कर्मों का, और हेल, और बुरे कर्मों के वजह से नर्क में जाना पड़ता है। इस तरह की सारी बातें जानने के बाद स्टीफन को बहुत पश्चाताप होता है। डीपली शेकन द यंग मैन रिजॉल्व्स टू रीडेडिकेट हिमसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ क्रिश्चियन पायटी। तो वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है स्टीफन, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने सारे बुरे काम छोड़कर फिर से अपनी क्रिश्चियन सीख को समझकर आगे बढ़ेगा और बुरे काम करने छोड़ देगा। स्टीफन बिगिन्स अटेंडिंग मास एवरी डे, और उसके बाद तो वो डेली चर्च में मास अटेंड करने लगता है, बिकमिंग अ मॉडल ऑफ कैथलिक पायटी, और वो एकदम एक कैथलिक सेंट की तरह बन जाता है। एब्स्टिनेंस, बुरे काम करने से बचता है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है बचना, एंड सेल्फ डिनायल, और बुरे कामों को करने से मना करता है, सेल्फ डिनायल यानी मना करना। हिज रिलीजियस डिवोशन इज सो प्रोनाउंस्ड दैट द डायरेक्टर ऑफ ए स्कूल आस्क्ड हिम टू कंसिडर एंटरिंग द प्रीस्टहुड, और वो इतना ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है कि स्कूल का जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम क्यों नहीं एक प्रीस्ट बन जाते, एक सेंट, कैथलिक सेंट बन जाते, साधु बन जाते। आफ्टर ब्रीफली कंसिडरिंग द ऑफर स्टीफन रियलाइजेज दैट द ऑस्टेरिटी ऑफ द प्रेस्टली लाइफ इज अटली इनकम्पैटिबल विथ हिज लव फॉर सेंशुअल ब्यूटी। तो वो सोचता भी है स्टीफन इस बारे में कि क्यों ना वो एक सेंट बन जाए, लेकिन फिर बाद में उसे समझ में आता है कि सेंट की जो लाइफ होती है, संत की जो लाइफ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, ऑस्टेरिटी होती है उसमें, और इतनी डिफ़िकल्टी वो नहीं सहन कर पाएगा, इसलिए क्योंकि वो सेंशुअल ब्यूटी, ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है वो, और वो एक नॉर्मल इंसान रहना चाहता है, वो सेंट नहीं बनना चाहता। दैट डे स्टीफन लर्न्स फ्रॉम हिज सिस्टर दैट द फैमिली विल बी मूविंग वंस अगेन फॉर फाइनेंशियल रीजंस। उस दिन फिर से उसे पता चलता है स्टीफन को अपनी बहन से कि उस फैमिली को अब डबलिन छोड़कर भी जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि और भी ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें उनके सामने आ गई हैं। एंग्शियसली अवेटिंग न्यूज़ अबाउट हिज एक्सेप्टेंस टू द यूनिवर्सिटी स्टीफन गोज फॉर अ वॉक ऑन द बीच वेर ही ऑब्जर्व्स अ यंग गर्ल वेडिंग इन द टाइड। तो तब स्टीफन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो वेट कर रहा होता है कि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होगा कि नहीं, और वो बीच पर जाता है वॉक करने के लिए, जहाँ पर उसे एक यंग लड़की दिखाई देती है जो कि लहरों में अपने पैर छपछपा रही होती है। He is struck by her beauty and realizes in a moment of epiphany that the love and desire of beauty should not be a source of shame. तब उसे अचानक इस चीज़ का realization होता है उस लड़की को देखते हुए कि अगर हम beauty को, सुंदरता को appreciate करते हैं तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। Stephen resolves to live his life to the fullest और तब वो decide कर लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिएगा and ways not to be constrained by the boundaries of his family, his nation and his religion। और वो इस बात को भी डिसाइड कर लेता है कि अब से किसी भी चीज़ की वो जकड़ में नहीं रहेगा, फिर चाहे वो उसकी फैमिली की जकड़न हो या उसके देश की या उसके धर्म की, उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर वो
ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा और अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जिएगा। स्टीफन मूव्स ऑन टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्टीफन यूनिवर्सिटी चला जाता है। वेर ही डेवलप्स अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। वहाँ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं एंड इज़ एस्पेशली क्लोज विद अ यंग मैन नेम्ड क्रैनली। और वहाँ पर वो क्रैनली नाम का उसका एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। इन अ सीरीज ऑफ कन्वर्जेशंस विद हिज कंपेनियन स्टीफन वर्क्स टू फॉर्मुलेट हिज थियरीज अबाउट आर्ट। और वहाँ पर वो बहुत सारे थियरीज बनाता है आर्ट से रिलेटेड। वाइल ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज फ्रेंड्स एज लिसनर्स, ही इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लिबरेटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है और उससे इससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ही बिकम्स मोर एंड मोर डिटरमाइंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल लिमिटिंग प्रेशर्स एंड इवेंचुअली डिसाइड्स टू लीव आयरलैंड टू एस्केप देम। और वो इस बात को अपने मन में बैठा लेता है कि वो किसी भी तरीके से आयरलैंड को छोड़कर चला जाएगा। लाइक हिज नेम सेक द मिथिकल डेडालिस, स्टीफन होप्स टू बिल्ड हिमसेल्फ विंग्स ऑन विच ही कैन फ्लाई अबाउ ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव अ लाइफ एज एन आर्टिस्ट। तो स्टीफन डेडालिस का जो नाम है वो ग्रीक डेडालिस से लिया गया है। वो डेडालिस जिसने अपने लिए वैक्स के विंग्स बनाए थे और जो सूरज के पास उड़कर जाना चाहता था, उसी तरीके से स्टीफन भी अपने लिए विंग्स बना लेना चाहता था जिनके ज़रिए वो उड़ जाएगा उन सारी मुसीबतों से जो अभी उसे बांधे हुए हैं और एक आर्टिस्ट की तरह पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉवल एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।